हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी वैलेंटाइंस का वीक स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ पर, बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे आने स्टार्ट हो गई हैं कि क्या ओयो रूम्स हैं वो अनमैरिड कपल्स के लिए सेफ हैं या नहीं। देखिए, इसका शॉर्ट आंसर तो ये है कि बिल्कुल सेफ तो है, क्योंकि ये कपल फ्रेंडली के नाम से इनकी एडवर्टीजमेंट आती है। तो बहुत सारे लोगों क्वेश्चन थे कि एक्चुअल में ओयो रूम्स क्या होते हैं, अगर यहाँ पे अनमैरिड कपल्स जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या उनकी एज होनी चाहिए तब वो जा सकते हैं, क्या यहाँ पे पुलिस की रेड हो सकती है, कभी भी नहीं होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल पुलिस की रेड यहाँ पे हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप किस तरीके से उस झंझट से निकलोगे, इन सभी चीज़ों के बारे में तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। साथ में अभी जो यहाँ पे भारतीय जो दंड संहिता था, जो आईपीसी था, वो चेंज होकर के अभी बहुत ही जल्द जो नया कानून आएगा बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं, जिसका आपको स्पेशली लड़कों को इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सामने आपके 10 साल तक की जेल का प्रावधान दे दिया गया है। किस तरीके से चीज़ें काम करती है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आप मान लीजिए आप अनमैरिड कपल हो, आप रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, और आप दोनों की एज 18 प्लस है, तो आपके पास ये फंडामेंटल राइट है कि आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, कहीं पे भी रुक सकते हो, चाहे भले ही वो कोई सा भी होटल हो या फिर वो ओयो का होटल हो, कहीं पे भी आप रुक सकते हो। जनरली जो दूसरे होटल्स हैं, स्पेशली अगर आप अपने सिटी में जाते हो तो वो आपको मना कर देते हैं आपकी आईडी प्रूफ को देखने के बाद, लेकिन जो ओयो के होटल्स हैं वो आपको मना नहीं करते हैं, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास पूरा राइट है कि आप किसी भी होटल में स्टे करके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन ऐसे केसेस में भी पुलिस की रेड वहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखिए, एक बार ये बात करते हैं कि ओयो रूम्स क्या है। देखिए, ओयो रूम्स बाकी होटल्स के तरह ये रूम्स प्रोवाइड करते हैं, और ओयो क्या है, ओयो का नेटवर्क है जो कि हर स्टेट में, अलग अलग सिटीज़ में जो भी एग्जिस्टिंग होटल्स हैं उनके साथ टाई अप्स है। जिनके साथ टाई अप होता है वहाँ पे ओयो का बोर्ड लग जाता है, वो ओयो की जो कंडीशंस हैं ओयो की ऐप पे लिस्टेड हो जाते हैं, और वहाँ से ओयो की बुकिंग होती है। जो भी कंडीशंस रहती हैं ओयो की वहाँ से चलती हैं। तो कोई भी होटल है वो ओयो में हो सकता है, नॉर्मल होटल भी ओयो में जा सकता है, उनके कंडीशंस को एक्सेप्ट करके वहाँ पे अपना काम चला सकता है। अब बात आती है कि आप 18 प्लस हो, ओयो में जाते हो, आपको पता है कपल फ्रेंडली है, आपका ये लीगल राइट है कि आप पूरे इंडिया में, अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो कहीं पे भी जा सकते हो अपने बीएफ जीएफ के साथ, लेकिन फिर भी पुलिस रेड क्यों करती है। देखिए, यहाँ पे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, जिसके तहत कोई ऐसी जगह या ऐसी कोई बिल्डिंग जहाँ पे कोई देह व्यापार का धंधा चल रहा है या प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है, और ऐसी कोई जानकारी मिलने के बाद पुलिस को यहाँ पे पूरा राइट है कि पुलिस उस जगह पे रेड कर सकती है, क्योंकि ओयो कपल फ्रेंडली रूम्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन ये नहीं बोलता कि आप यहाँ पे जाकर के सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का आपको लाइसेंस नहीं देता है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से, दोनों के कंसेंट से कोई रिलेशन बना भी रहे हो बंद कमरे के अंदर में, तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन जब भी पुलिस वहाँ पर रेड करती है, कोई उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा कोई यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है, उस केस में पुलिस क्या करती है, सबसे पहले जो होटल में एंटर करती है तो उनका रजिस्टर चेक किया जाता है, जो कि गेस्ट बुक वाला रजिस्टर होता है जिसमें प्रॉपर एंट्रीज डली हुई होती हैं। अगर तो आपने गेस्ट बुक में अपनी प्रॉपर एंट्रीज डाली हुई हैं, दोनों का सिग्नेचर है, आपने आईडी प्रूफ जमा करवाए हुए हैं, देन आपको पुलिस कुछ नहीं बोलने वाली। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी आईडी बताते हैं या फिर कुछ गलत नाम या अपने गलत सिग्नेचर्स वहाँ पर छोड़ देते हैं, ताकि उनको ये लगता है अगर कल को कोई दिक्कत आए तो कोई हमारे घर के एड्रेस तक ना पहुँच सके या फिर हमारी बदनामी ना हो। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ऐसा
ऐसा कर रहे हो तो लीगल प्रॉब्लम्स आप अपने खुद के लिए इनवाइट कर रहे हो। इन केस आप अपने रूम में हो, पुलिस आपके डोर पे नॉक करती है तो आपने डोर ओपन किया और पुलिस वहां से आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांग रही है, आप अपना इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे हो, आप डर जा रहे हो, अपने एड्रेस नहीं बता रहे हो, नाम पता नहीं बता रहे हो, ऐसे केस में अगर पुलिस को लगता है कि यहाँ पे कोई क्राइम चल रहा है, ऑफेंस हो रहा है और उस केस में पुलिस आपसे आपका नाम पता जानने की कोशिश करती है और आप नहीं बताते हो, तो ऐसे केस में अगेन पुलिस के पास प्रावधान है, यहाँ पे राइट है कि पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में ले जा सकती है और तब तक रख सकती है जब तक आप उनको सही डिटेल प्रोवाइड ना करवाओ। ये चीज़ को अपने ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम डर जाते हैं तो हमारे डर का मिस यूज़ किया जाता है और हम सामने से उनको पैसे ऑफर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप दोनों की मर्जी से सिस्टम चल रहा है, आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए हो, तो आप यहाँ पे पहले तो विद फुल कॉन्फिडेंस आप बात कीजिए कि हम यहाँ से हैं, हमारी एज इतनी है, आप उनको अपनी आईडी प्रूफ दिखा सकते हो आपकी नई एज को प्रूफ करने के लिए, और ये बताओगे कि जो भी यहाँ पे गेस्ट बुक की एंट्री है, हमने प्रॉपर यहाँ पे अपनी यहाँ पे एंट्री डली हुई है, साइन किए हुए, ये हमारी बुकिंग की आईडी है, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करी हुई है तो ये भी यहाँ पे रेकमेंडेड है कि बुकिंग आप ऑनलाइन कीजिए और जो बुकिंग की रिसिप्ट हो वो आपके साथ हो ताकि आप किसी भी लीगल झंझट में ना पड़ो। इन सभी चीज़ों के साथ में आते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब कुछ होटल्स में क्या होता है, जैसे स्पाज वगैरह में भी क्या सिस्टम चल रहा है कि वो खुद से आपको सामने से जो एक्टिविटीज़ है सेक्शुअल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जिस वजह से ये रेट्स डाली जाती हैं और आप आए दिन न्यूज़ में देखते हो, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में बहुत सारी ऐसे लड़कियाँ पकड़े जाते हैं, लड़के पकड़े जहाँ पर वो गलत चीज़ें चल रही है, लेकिन आप अपनी मर्जी से दोनों जा रहे हो, लड़की भी ये स्टेटमेंट देती है, बताती है कि हाँ इसमें मेरी मर्जी है तो आप सेफ हो। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात आती है, इस चीज को थोड़ा साइड में रखें कि जो नया लॉ आ रहा है सेक्शन 69 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता जो 69th सेक्शन आने वाला है, उसमें यह है कि अगर आप किसी लड़की को शादी का वादा करके जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं है, आप जानते हो मैं इसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपने उससे शादी करने का झूठा वादा किया, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और उसके बाद में अपने शादी ना करी और लड़की ने कंप्लेंट करी, आपके अगेंस्ट FIR करवा दी, तो ऐसे केस में ये रेप तो नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 69 ऑफ द BNS एक्ट के तहत आपको 10 साल तक की सजा कर सकती है कोर्ट। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें लड़की की मर्जी थी। अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे अगर आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं होगा, तो इसके लिए अगर आप रिलेशनशिप में हो, पहली बात तो ये चीज है, देखिए जो हमारा इंडियन कल्चर है, शादी से पहले आपको फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, फिर भी दोनों की मर्जी है, लड़की खुद से आपको बोल रही है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रूफ रखिए, एविडेंस रखिए, कॉल रिकॉर्डिंग है, चैट है, भाई कुछ तो अपने साथ में रखो। लेकिन एक डायलॉग आपको याद होगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत बड़ी आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। लॉ बहुत अच्छा है लेकिन इसके मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ऐसे में लड़कों को सावधान होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने जो भी मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि ये जो लीगल इंफॉर्मेशन है उन तक पहुंचे, उन तक अवेयरनेस मिले। और इस तरह की और भी कानूनन वीडियोस के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसके ऊपर हम लॉ रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।